मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज के स्टडी मोटिवेशन का टॉपिक है कि अपना टाइम आएगा पर कैसे आएगा, उसी बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अपना टाइम सिर्फ तभी आएगा जब तुम खुद की राहों में रोड़े अटकाना बंद करोगे। दैट इज कि हम चल तो पड़ते हैं रस्तों पे, पर हमें यही नहीं पता होता कि जाना कहाँ है और पहुँचना कहाँ है। तो सबसे पहले, जिंदगी में तुम कहीं पे भी पहुंचना चाहते हो, चाहे ये पढ़ाई है चाहे लाइफ की बात हो रही है, सबसे पहले तुम्हें एक गोल डिसाइड करना है। गोल जो भी तुम्हारा मकसद है, जो तुम्हें अचीव करना है, उस गोल को स्पेसिफाई करना है कि किन किन रास्तों से तुम्हें होते हुए जाना है। अगर तुम्हें किसी एंट्रेंस को क्लियर करना है तो तुम्हें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, अगर तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हें कौन से एंट्रेंस देने पड़ेंगे, तुम्हें सब कुछ उस गोल के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम 40 डायरेक्शंस में एक साथ भागेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम एक पे सही से फोकस नहीं करते। इसीलिए बेहतर है कि पहले एक रास्ता चुनो, उस पे काम करो, उस एक रास्ते पे जो तुमने चुना अपनी लाइफ के लिए, और फिर बाकी रास्तों को पकड़ो। एक साथ 40 चीजें तुम नहीं कर सकते, एक एक करके 40 चीजें जरूर हो सकती हैं। तो गोल को स्पेसिफाई करो और उस गोल तक पहुंचने के रास्ते को फॉलो करते रहो। जब पहुंच जाओ तब दूसरा गोल डिसाइड करो। दूसरी चीज, नोट डाउन योर डेली एक्टिविटीज। यहाँ पे मैं किसी भी टाइम टेबल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी, सपोज करो तुमने पूरा दिन कुछ कुछ किया, तुमने टीवी देखा, तुमने खाना खाया, तुमने पढ़ाई करी, तुमने कुछ बुक्स रीड करी, और रात को तुम एक नोटबुक बना लो, तुम उसमें लिखो तुमने आज पूरा दिन क्या क्या किया, कौन सी नई चीज़ सीखी, कौन सी बुक रीड करी, और कितना टाइम किस किस काम ने कंज्यूम किया। उस हिसाब से उस नोटबुक को पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि इतने घंटे तुम टीवी देखते जा रहे हो या इतनी देर तुम सिर्फ फोन ही चलाते जा रहे हो, जो कि तुम्हारा प्रेशियस टाइम जो लौट के नहीं आने वाला वो कंज्यूम कर रहे हैं। प्रॉपर अपनी डेली एक्टिविटी की एक नोटबुक बना लो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे एक दिन का कितना टाइम किस चीज में जाता है। जब तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि तुम अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, तब तक तुम उस चीज को, उस गलती को सुधार ही नहीं पाओगे। क्योंकि गलतियां तो सभी करते हैं, पर जरूरी ये है कि गलती को सुधारा जाए। तो इसीलिए डेली एक्टिविटीज, जो भी तुम कर रहे हो, जहां जा रहे हो, सब कुछ रात को बैठ के तसल्ली से याद करके एक डायरी में लिखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहां पे कितना टाइम दे रहे हो, और फिर उन गलतियों को सुधारने का टाइम आएगा। जैसे कि तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुम 2 घंटे टीवी देख रहे हो तो उसको मिनिमाइज करके 1 घंटा कर दो, फिर 30 मिनट्स कर दो, फिर उस हिसाब से कम कम करते रहो। क्योंकि एकदम से आदत नहीं छूटती, आदतों को छूटने में वक्त लगता है, समय लगता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई भी तुम्हें कुछ नेगेटिव बोले, देखो अगर तुम सोशल मीडिया पे हो तो वहां पे कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो क्या तुम हर कमेंट का रिप्लाई करने बैठ जाते हो? क्या तुम हर नेगेटिव कमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो अपने लाइफ में? नहीं देते ना। हर नेगेटिव कमेंट का तुम रिप्लाई नहीं करते। उसी तरीके से जिस तरीके से तुम हर कमेंट, नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करते हो, हर का रिप्लाई करने नहीं बैठ जाते, हर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हर नेगेटिव कमेंट को जो बुरा बुरा लोग बोलते हैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसी तरीके से भी ये सीखो कि अपनी रियल लाइफ में भी कोई भी तुम्हारे साथ नेगेटिव बातें कर रहा है या तुम्हें कुछ नेगेटिव बोल रहा है, तुम्हें डीमोरलाइज कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम उसको इंपॉर्टेंस मत दो। उसकी हर कही हुई बात को अपने दिल पे मत लो, तब जाके तुम कहीं लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो नेगेटिव बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तो अपना टाइम तब आएगा जब तुम लोगों की सुनना छोड़कर खुद की सुनोगे, और जब तुम खुद की गलतियों पे काम करोगे, खुद की गलतियां पता लगाकर, और साथ ही साथ जब तुम 40 जगहों पे भागने की जगह एक गोल पे, एक डायरेक्शन पे, एक लक्ष्य पे फोकस करोगे कि यहाँ पहुंचना है और पहुंच के दिखाना है, तो अपना समय बर्बाद मत करो और आज से ही वहां पहुंचने की तैयारी करो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।